नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रविंदर। दोस्तों आज की हम बात करेंगे भाई वीआई कंपनी के 99 रुपए के वैलिडिटी रिचार्ज प्लान के एक नए अपडेट के बारे में। दरअसल दोस्तों वीआई कंपनी ने 99 रुपए के रिचार्ज में खेल कर दिया है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि वीआई कंपनी अब से पहले यदि कोई भी ग्राहक अपनी सिम कार्ड में आइडिया वोडा या वीआई की सिम में 99 रुपए से रिचार्ज कराया करते थे तो दोस्तों ग्राहक को 99 रुपए के रिचार्ज में 28 दिन की वैलिडिटी दिया करती थी वीआई कंपनी। लेकिन दोस्तों वीआई कंपनी के एक नए अपडेट में यदि कोई भी ग्राहक अपनी सिम कार्ड में 99 रुपए का रिचार्ज कराएगा आज के टाइम पे तो ग्राहक को मात्र 15 दिन की वैलिडिटी दी जाएगी। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है, आखिरकार वीआई कंपनी इस प्लान को बंद भी कर सकती थी लेकिन दोस्तों इसको बंद ना करके इसकी वैलिडिटी घटा दी गई है, जो वैलिडिटी अब ग्राहक को मात्र 15 दिन की मिलने वाली है। तो दोस्तों आप यदि एक रिटेलर हैं और आपकी दुकान पर कोई भी ऐसा ग्राहक आता है जो अपनी वीआई की सिम कार्ड में 99 रुपए का रिचार्ज कराया करता था तो दोस्तों हो जाइए सावधान। अब आपको ग्राहक को पहले बताना पड़ेगा कि सर अब जो है 15 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। लेकिन दोस्तों यदि आप किसी ग्राहक को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो और उसको डायरेक्टली आप 99 रुपए का रिचार्ज कर देते हो तो दोस्तों ऐसे में आपको उस ग्राहक का विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ग्राहक जानता है कि वैलिडिटी पूरे 28 दिनों के लिए मिलती है। तो दोस्तों बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से दूंगा और आप ग्राहक को बता सकोगे कि अब आपको ये रिचार्ज ना करवा के अब आपको ये वाला रिचार्ज कराना है। तो चलिए दोस्तों मैं लॉग इन करता हूं अपना स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन। तो अपने स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 रुपए का रिचार्ज है और यहाँ पर 15 दिन इसकी वैलिडिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है और बाकी का यहाँ पर आप देख सकते हैं 128 रुपए का रिचार्ज है। 128 रुपए के रिचार्ज में ग्राहक को यहाँ पर 18 दिन की वैलिडिटी दिखाई दे रही है। यदि ग्राहक जो है अब यहाँ पर देख सकते हैं 204 रुपए का रिचार्ज है, एक महीने यहाँ पर वैलिडिटी शो कर रही है। और गाइस यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं स्क्रॉल करता हूँ, 198 रुपए का रिचार्ज है, यहाँ पर ग्राहक को 30 दिन वैलिडिटी शो कर रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्राहक यदि आप एक ग्राहक हैं या आप एक रिटेलर तो आपको इन रिचार्जों से छोड़कर आपको कौन सा रिचार्ज करना होगा। दोस्तों यहाँ पर यदि आप एक रिटेलर हैं तो दोस्तों आप ग्राहक को जो सजेस्ट करेंगे वो है 179 वाला रिचार्ज। आपके दुकान पर आइडिया का ग्राहक आए या वोडा का ग्राहक आए या वीआई का ग्राहक आए तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो ग्राहक को बताना है वो बताना है 179 वाला रिचार्ज, जिसमें ग्राहक को दोस्तों अनलिमिटेड कॉल मिल जाएगी, 2 GB डेटा, 300 SMS मिल जाएंगे, 28 दिन वैलिडिटी मिल जाएगी और गाइस यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी होगी ना पूरे 28 दिनों के लिए होगी। तो दोस्तों ये थे वीआई के कुछ अपडेट जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, क्योंकि दोस्तों यदि ग्राहक 99 रुपए का रिचार्ज कराएगा और दोस्तों उसको फिर 99 रुपए का रिचार्ज नहीं, एक महीने के लिए यदि ग्राहक को वैलिडिटी चाहिए तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 99 प्लस 99। दोस्तों यहाँ पर ग्राहक को जो है ना 200 के समथिंग जो है पूरा पेमेंट जो है यहाँ पर 200 के समथिंग ग्राहक को पड़ जाता है। दोस्तों मान के चलिए 198 रुपए के रिचार्ज में ग्राहक को पूरे एक महीने की वैलिडिटी दी जाएगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 198 में एक महीने की वैलिडिटी, इससे अच्छा तो आप 179 रुपए वाला रिचार्ज कीजिए और ग्राहक को एक महीने के लिए फ्री कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लेता हूँ इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।